Press the bell icon and never miss an update from Tele Masala. संगीत की महफिल बॉम्बे अड्डा में है क्योंकि वेल ये इनका आई थिंक मेरे साथ इन लोगों के साथ तीसरा शो है और चौथा लाइन अप है और पहला शो हमने किया था आर अड्डा में, उसके बाद हमने पुणे आर अड्डा में किया और ये है बॉम्बे अड्डा। एंड हम लोग वेट कर रहे थे कब बॉम्बे अड्डा की पहली यू नो पहली अनप्लग्ड सूफी नाइट होगी और ऑब्वियसली वो हर बार मुझसे स्टार्ट करता है। सो बट ही इज़ बीन रियली स्वीट यू नो गौरव एंड केतुल, इनके साथ मेरा बहुत ही अच्छा बॉन्ड रहा है अपार्ट फ्रॉम वर्क एंड बिजनेस व्हाटएवर वी डू, एक फ्रेंडशिप एक बॉन्ड बहुत अच्छा है। तो एक जब भी उनका एक पहला फोन आता है कि यू नो एक शो करना है, इनका कनेक्ट करनी है, आई एम ऑलवेज मी एंड माई पूरी टीम जो हमारी बहुत ही एक्साइटेड होकर हमें शो करते हैं। एंड आज भी फुल सेट हैं, फुल रेडी हैं बॉम्बे अड्डा को एक ऐसा स्टार्ट देने के लिए अनप्लग नाइट्स को कि आगे आने वाली बहुत सारी नाइट्स ऐसी अच्छी होती जाती है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड बिकॉज सुयश इज अ गुड सिंगर, जितना अच्छा दोस्त है उससे ज़्यादा अच्छा सिंगर है वो। एंड आई हैव हर्ड हिम समटाइम्स बिफोर, लेकिन हम जब घर पे बैठते हैं हाउस पार्टी में तब सुना है, आज पहली बार आई एम हियरिंग प्रोफेशनली। आज सूफी नाइट है और सूफी मेरा फेवरेट जॉनर है, तो मैं इसको पकड़ के खींच के लाई हूँ कि प्लीज बिकॉज़ आई लव सूफी, लेट्स जस्ट गो फॉर इट। एंड ऑल्सो सुयश इज ब्यूटीफुल सिंगर, उनकी आवाज़ आई थिंक सूफी के लिए ही बनी है, सो इट्स अ कॉम्बिनेशन सुयश एंड सूफी। वेल ही इज़ अ ग्रेट सिंगर एंड ही इज़ अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड, तो बहुत एक्साइटेड है। सूफी नाइट है वो हमें ज़्यादा ऑफन वैसी काइंड ऑफ यू नो म्यूज़िक सुनने मिलती नहीं है, सो वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। यार मैं उसको तब से जानता हूँ जब वो बेसुरा गाता था, हाँ बाथरूम में गाता था, तो अभी एक्चुअली अभी सुर में गा रहा है तो अब तो बनता है देखना, तो ऑल द बेस्ट टू हिम। आई एम हियर फॉर सुयश टुडे, बॉम्बे अड्डा में कभी आई नहीं हूँ, दिस इज़ फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग हियर, सो आई विल चेक आउट दिस प्लेस ऑल्सो। ऑफ कोर्स सुयश को चेयर करने आई हूँ, ही इज गोना बी सिंगिंग सम सूफी सॉन्ग्स, आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दैट एंड डेफिनेटली जस्ट हियर टू चेयर हिम अप, मोटिवेट हिम एंड सपोर्ट हिम, एंड दैट्स व्हाट फ्रेंड्स आर फॉर। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस जगह पे आकर के बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ इसकी लॉन्च पे। मुझे जब इनविटेशन आया था दैट टाइम आई वाज इन अ बैंकॉक, मैं एक शो होस्ट कर रहा था, सो मैं इसका पार्ट नहीं बन पाया था। अब सुयश चूँकि बिग बॉस 9 से हैं और कहीं ना कहीं इनकी वाइफ को मैं ऐसा महसूस करता था, उनमें मुझे कहीं पर मैं दिखता था, मतलब मुझे ऐसा लगता है वो ऑनेस्ट थी और जहाँ जो बोलना होता था वो बोलती थी, सो इसीलिए मैं इसका आज हिस्सा बना हूँ। सुयश सूफी नाइट है यहाँ पे, सो मैं एक्साइटेड हूँ ऊपर जाने में, इस आर अड्डा को देखने में, एज वेल एज साथ में इस सूफी नाइट का एंजॉय करने में। सुयश मेरे भाई जैसा है एंड हम एक बहुत ही वी आर वेरी वेरी क्लोज, एंड मैं उसको सपोर्ट करने के लिए कहीं पे भी जा सकती हूँ, जस्ट लाइक वो मुझे सपोर्ट करने के लिए कहीं पे भी आ सकते हैं, एंड आई थिंक ही इज़ एन अमेजिंग सिंगर, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि उन्हें एक पहली तो ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली, दूसरा मुंबई को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली कि वो एक सूफी नाइट दिख रहे हैं, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। सुयश के नाम नहीं, सुयश हमारे नाम सजाने वाला है ये महफिल, सो या आई एम वेरी हैप्पी वेरी एक्साइटेड। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो उसका पैशन है वो एक्चुअली यू नो ही इज़ एक्चुअली टेकिंग इट फॉरवर्ड एंड डूइंग ऑल ऑफ दिस, सो एंड कौन सी और अच्छी जगह हो सकती है देन बॉम्बे अड्डा टू परफॉर्म, लाइक स्पेशली जो पहला सूफी नाइट है वो सुयश कर रहा है, सो इट्स वेरी वेरी एक्साइटिंग एंड इट्स टोटली बहुत ज़्यादा लाइक खुशी अंदर से, एक प्राउड सी फीलिंग हो रही है कि यू नो जो उसको इतना अच्छा लगता है सिंगिंग विच इज़ हिज पैशन, वो एक्चुअली यहाँ पर वो करने जा रहा है, सो एंड देयर आर सो मेनी पीपल जो हमारे सारे फ्रेंड्स आए हैं टू सपोर्ट हिम, सो आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग।